109 आज का प्रेरणा पाथे राम राज्य। राम राज्य बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि राजा राम ने जब राज्य किया तो उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं होता था, कोई भी जो है नागरिक दुखी नहीं रहता था और हर नागरिक की हर व्यक्ति की बात की सुनवाई होती थी, उसको उचित न्याय दिया जाता था। यानी राम राज्य के अंदर संपूर्ण प्रजा सुखी रहती थी, सब अपना अपना कार्य करते थे, राजा का भी सम्मान करते थे और राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान रूप में जानता है और जो संतान यानी जो प्रजा है वो भी राजा को ईश्वर का रूप मानते हैं। जब आपसी सम्मान की इतनी बड़ी भावना है तो वो राज्य होना भी संभव है। इसीलिए हमारी आजकल जो सरकारें आती है और जो मंत्री बनते हैं उनको राम राज्य का चिंतन करना चाहिए, उनको प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, प्रजा की बात को सुनना चाहिए, प्रजा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान देना चाहिए और पक्षपात की नीति, वोट की नीति है जनता के साथ के अंदर नहीं लगानी चाहिए, तभी राम राज्य आता है। राम राज्य के अंदर लोग अपने घरों के ताले नहीं लगाते थे क्योंकि समस्त लोग ईमानदार है। आज भी हिंदुस्तान में कुछ गांव है जहाँ घरों में ताले नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि लोगों में ईमानदारी है। तो राम राज्य जहाँ होता है वहाँ पर जो है हम सुखी रहते हैं, हम आनंद से रहते हैं। संपूर्ण मानव जाति जो उस राज्य में होती है वो हमेशा आनंद से अपना जीवन व्यापित करती है। इसीलिए ये जो हमारी सरकारें हैं उनको राम राज्य स्थापित करने का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए।